नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर वोटिंग। आज होगा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी। बिहार के जमुई में 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी की तैयारी। आम लोगों की तरह नजर आए नीतीश कुमार के प्रधान सचिव। विराट कोहली ने शेयर की बहुत प्यारी तस्वीर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑयल इंडिया ने 187 पदों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 7 के कुल मिलाकर 187 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को ग्रेड 3 भर्ती के लिए आवेदन के हेतु उम्मीदवारों को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों के साथ 12वीं होना चाहिए। साथ ही कई अन्य पदों के लिए रिक्तियों से संबंधित ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया होना चाहिए। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर विजिट कर कैरियर सेक्शन में मौजूद संबंधित भर्ती के लिए दिए अप्लाई लिंक पर जाकर कर सकते हैं। आज होगा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी। मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज यानी कि 31 मार्च को मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले इंटर के रिजल्ट के दौरान बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा भी कहा गया था कि मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आज मैट्रिक का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे मीरा कुमार के बारे में। मीरा कुमार का जन्म आज ही के दिन 1945 में हुआ था। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व राजनयिक है। श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से है। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई जीएमएसी बाल योगी के बाद वे दूसरी दलित नेता है जो इस पद तक पहुंची है। इन्होंने 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार के रूप में रामनाथ कोविंद के विरुद्ध चुनाव लड़ा जिसमें वे 34% मतों से पराजित हुई। भारतीय इतिहास में विशेष रुचि रखने वाली मीरा कुमार को कला और साहित्य से भी विशेष लगाव है। हस्तशिल्प प्रेमी होने के अलावा मीरा कुमार एक अच्छी कवित्री भी है। वह अपना खाली समय किताबें पढ़ने और शास्त्रीय संगीत सुनने में व्यतीत करती है। उनकी लिखी कई कविताएं प्रकाशित भी हुई हैं। आज है बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर वोटिंग। बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बुधवार शाम 4 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं अब इन 5 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 31 मार्च 2023 यानी कि आज हो रही है, जिसकी शुरुआत सुबह 8 बजे से होगी जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद मतों की गणना 5 अप्रैल को की जाएगी। आपको बता दें कि आज इस चुनाव में 48 उम्मीदवार अपना किस्मत मैदान में आजमा रहे हैं। वहीं आम सभी चुनावों की तरह इस चुनाव में भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सारण स्नातक क्षेत्र, गया स्नातक क्षेत्र, गया शिक्षक क्षेत्र, कोसी शिक्षक क्षेत्र और सारण शिक्षक क्षेत्र के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया बैलेट पेपर के माध्यम से की जाएगी। बिहार बीएड सीईटी 2023 के नामांकन परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। बीते दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा बीएड सीईटी 2023 के नामांकन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है वे बिहार बीएड सीईटी की आधिकारिक वेबसाइट biharcetbed-lnmu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए अभ्यर्थियों के पास उनका आईडी और पासवर्ड होना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह परीक्षा 8 अप्रैल सुबह 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक आयोजित की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले यानी कि सुबह 9 बजे तक पहुंच जाना होगा और साथ में प्रवेश कार्ड और फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा केंद्र के अंदर जाने का समय 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। बिहार के जमुई में 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी की तैयारी।
बीते दिन बृहस्पतिवार को एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न गैर वन क्षेत्रों से मिले चूना पत्थर, मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की नीलामी की जाएगी। बता दें कि इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव एवं खान संबंधी मामलों की आयुक्त हरजोत कौर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा नीलामी के लिए लेन देन सलाहकार के रूप में SBI कैपिटल मार्केट के साथ काम करेगी और साथ ही उन नियमों तथा शर्तों का भी सुझाव देगी जिनके आधार पर नीलामी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के द्वारा जमुई में मिले 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की भी नीलामी करने का फैसला लिया गया है। बिहार में अप्रैल से हर घर नल जल लाभुकों की समस्या का होगा समाधान। हर घर नल जल योजना के तहत लाभुकों के घर तक नियमित रूप से शुद्ध जल पहुंचाया जा सके और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा PHED और पंचायती राज विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे इन बातों पर विशेष ध्यान रखें। बता दें कि हर घर नल जल लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए अप्रैल से वाहन के माध्यम से लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। बता दें कि वाहन की भ्रमण योजना त्रैमासिक रूप से तैयार की जा रही है। मालूम हो कि वाहन वैसे इलाकों की रिपोर्ट भी तैयार करेगी जहां पर जलापूर्ति योजना की जरूरत है। इन इलाकों को चिन्हित करने के बाद संबंधित पदाधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। पूरे बिहार में मनाया गया धूमधाम से रामनवमी का महोत्सव। बीते दिन रामनवमी के अवसर पर राज्य के हर जिले में बड़े ही धूमधाम से राम महोत्सव मनाया गया। बता दें कि बीते दिन राम महोत्सव के अवसर पर हर जिले में शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। मालूम हो कि इस दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय और भगवानमय बना रहा। चारों ओर जय श्री राम की आवाजें सुनने को मिलती रही। वहीं अगर बात बिहार की राजधानी पटना में स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर की बात करें तो यहां रात 12 बजे तक दर्शन का दौर चलता रहा। वहीं बीते दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान से बजरंग बली का ध्वज बदला गया और फिर राम जन्मोत्सव की आरती के बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। बता दें कि इस दौरान 3 ड्रोन से लगातार महावीर मंदिर के परिसर में फूलों की वर्षा की गई। आम लोगों की तरह नजर आए नीतीश कुमार के प्रधान सचिव। बिहार कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है। बता दें कि इस फोटो में वो आम लोगों की तरह बिना किसी बॉडीगार्ड के केवल टी शर्ट और लोवर में सड़क पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वह उस तस्वीर में सड़क किनारे चाय पीते और गोलगप्पा खाते हुए लोगों से बात करते हुए नजर भी आ रहे हैं। वहीं इन सभी फोटो में एक फोटो ऐसी भी है जिसमें वे नगर निगम के कचरा गाड़ी संचालक से बात कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान उन्होंने लोगों से मिलकर सरकार की कामकाज पर फीडबैक भी लिया। वे काफी देर तक रिक्शा के पायदान पर बैठकर रिक्शा चालक से बात करते रहे। वहीं लोग भी उन्हें नहीं पहचान पाए और आराम से बात करते रहे। बिहार में फिर बढ़ने लगे पर्यटक। एक बार फिर से बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है जो कि न केवल राज्य के लिए बल्कि राज्य के लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। बता दें कि पर्यटन विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष जनवरी में 19,38,935 पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया है जिसमें देशी पर्यटकों की संख्या 19,02,432 है। वहीं अगर वर्ष 2022 की करें तो 2022 में मात्र 84,281 देशी पर्यटकों ने बिहार का भ्रमण किया था। इसके वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में अभी भी वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन कोरोना काल वाले 2 वर्ष की तुलना में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। बिहार सरकार कराएगी इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी। BC और EBC छात्राएं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती हैं पर आर्थिक तंगी के कारण कोटा और दिल्ली जैसे शहरों में इसकी तैयारी करने के लिए नहीं जा पा रही तो उन छात्राओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल राज्य सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा 1 अप्रैल से एक योजना की शुरुआत की जा रही है जिसके तहत ऐसी छात्राओं का इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराने के लिए सरकार के द्वारा सुपर 30 के तर्ज पर टेस्ट लेकर सिलेक्शन किया जाएगा। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वैसी छात्राएं जो 10वीं और 12वीं में गई हैं उन्हें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की परीक्षा देनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा इस योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से की जा रही है तो वहीं दूसरे चरण में इस योजना की शुरुआत भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार सहित अन्य जिलों में की जाएगी। तैयारी के दौरान छात्राओं को स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि वे स्टडी मटेरियल छात्राएं अपने साथ घर लेकर नहीं जा सकती ताकि उसका बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। बिहार के 7 कॉलेजों में PG के इन विषयों की पढ़ाई को मिली अनुमति।
शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी आदेश जारी कर यह बताया गया है कि अब शैक्षणिक सत्र 2023-24 बिहार के 7 अंगीभूत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने की अनुमति दी गई है। बता दें कि जिन 7 कॉलेजों को अनुमति दी गई है उनमें बेतिया के राम लखन सिंह यादव कॉलेज, सीतामढ़ी स्थित SRKV कॉलेज, मोतिहारी स्थित श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज और LND कॉलेज, मुजफ्फरपुर स्थित रामेश्वर कॉलेज, लंगट सिंह विश्वविद्यालय और RBBM कॉलेज शामिल है। वहीं इन कॉलेजों में जिन विषयों की पढ़ाई की जा सकेगी उनमें गृह विज्ञान, भूगोल, संगीत, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान विषय में भौतिकी, गणित, रसायन, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान की शामिल है। राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 2,222 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बहुत जल्द ही राज्य के सरकारी इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रिक्त पड़े 2,222 शिक्षकों के पदों को भरे जाएंगे, जिसमें प्राचार्य के 32, प्राध्यापक के 168, सह प्राध्यापक के 429 और सहायक प्राध्यापक के 1,593 पद शामिल है। बता दें कि इसके लिए विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। इस बारे में आयोग के सचिव रवि भूषण का कहना है कि जल्द ही इन रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के द्वारा BPSC को 790 सीटों के लिए अनुशंसा भेजी गई थी, जिस पर BPSC की ओर से 515 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है और बाकी बचे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। बिहार में 50 नई बसों का होगा परिचालन। राज्य में पड़ने वाली गर्मी और यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा इंटरसिटी के तर्ज पर राज्य में 50 नई बसों के परिचालन की शुरुआत की जा रही है, जिनमें 35 नॉन AC तो 15 AC बसें शामिल है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इन बसों को मई के पहले सप्ताह में उतारा जा सकता है, जिसके बाद बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन चलने वाली बसों की संख्या 630 हो जाएगी। बता दें कि ये बसें राज्य की राजधानी पटना से खुलकर राज्य के विभिन्न शहरों में जाएगी, जिनमें कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बगहा, भागलपुर और बांका शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा AC और नॉन AC बसों का किराया कम रखा गया है। मालूम हो कि जल्द ही यह बसें सुल्तान पैलेस पहुंचने वाली है और फिर इसके परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए होगी ऑनलाइन प्रतियोगिता। राज्य समेत पूरे देश में लोगों के अंदर मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता पैदा किया जा सके, इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री समेत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कई कार्य किए गए हैं। वहीं अब संतुलित और पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाज को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के द्वारा ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता आयोजित करवाया जाएगा। बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं वैसे बच्चे जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें ईमेल के माध्यम से प्रिंट कराने योग्य ई सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रतियोगिता में बहुविकल्प वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रतिभागी को इसमें से सही उत्तर चुनना होता है। लालू यादव ने पोती का रखा यह नाम, तेजस्वी ने दी जानकारी। कुछ दिनों पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेटी हुई थी, जिसके बाद यह खबर चलने लगी थी कि तेजस्वी यादव अपनी बेटी का क्या नाम रखने वाले हैं। वहीं बीते दिन इस पर से पर्दा उठ चुका है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दे दी है कि उनके परिवार वालों के द्वारा उनकी बेटी का क्या नाम रखा गया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्यारी सी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने अपना प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर हमारी खुशियों को कई गुना बढ़ाया। इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। बच्ची के दादाजी लालू प्रसाद जी ने बेटी का नाम कात्यायनी रखा है। कर्नाटक विश्व चुनाव में बिहार के 7 IAS की विमुक्ति की बिहार सरकार ने की मांग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा केंद्रीय प्रेक्षक के रूप में बिहार कैडर के 7 IAS अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिस पर बिहार सरकार के द्वारा असहमति जताते हुए बिहार सरकार के अवर सचिव कन्हैया लाल शाह की ओर से निर्वाचन विभाग पटना के प्रधान सचिव को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन अधिकारियों के विमुक्ति की मांग की गई है और इनके जगह पर दूसरे 7 IAS अधिकारियों को प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति करने को कहा गया है। बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा बिहार कैडर के जिन 7 IAS अधिकारियों की नियुक्ति केंद्रीय प्रेक्षक के रूप में की गई है उनमें संतोष कुमार मल, पंकज कुमार, श्रीमती सफीना AN, वैद्यनाथ यादव, गिरिवर दयाल सिंह, अनिमेश कुमार परासर और शैलजा शर्मा के नाम शामिल है। वहीं इनकी जगह जिन 7 नए अधिकारियों को केंद्रीय प्रेक्षक की नियुक्ति करने की मांग की गई है उनमें राजेश कुमार, विनोद सिंह गुंजियाल, संजीव कुमार, सुश्री रंजीता, आदित्य प्रकाश, प्रशांत कुमार और सज्जन R के नाम शामिल है।
प्रदेश के शहरी निकायों की नहीं गुल होगी बिजली। प्रदेश के शहरी निकायों की बिजली गुल न हो और मानसून के दिनों में पंपिंग स्टेशन चलाने में बिजली बाधा न बने, इसके लिए नगर विकास विभाग के द्वारा ऊर्जा विभाग को बिजली बिल की बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नगर विकास विभाग के द्वारा दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मिलाकर कुल 573 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए। मालूम हो कि ऊर्जा विभाग के द्वारा पिछले काफी दिनों से नगर विकास विभाग से बिजली बिल के भुगतान की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, कई बार ऊर्जा विभाग की ओर से बिजली आपूर्ति काटने की चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन अब विभाग द्वारा बकाया राशि भुगतान कर दिया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति चालू रहेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया उन्होंने क्यों छुए सीएम नीतीश के पैर। इन दिनों एक बार फिर से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि इस बार उनके चर्चा में आने का कारण रामचरितमानस पर टिप्पणी करना नहीं बल्कि सीएम नीतीश का पैर छूना है। दरअसल बुधवार 29 मार्च को राजभवन में पटना हाईकोर्ट के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण के दौरान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आगे बढ़कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छू लिया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा तेज हो गई। वहीं अब इस चर्चा पर प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा ट्वीट कर अपना जवाब दे दिया गया और बता दिया गया है कि उन्होंने सीएम नीतीश के पैर को क्यों छुआ था। उन्होंने कहा कि कुशल नेतृत्वकर्ता बिहार विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी जो उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनका पैर छू आशीर्वाद लेता रहा हूं। इससे भी कॉर्पोरेट स्वामित्व गोदी मीडिया के पेट में मरोड़े आ रही हैं। पुरखों की निशानदार शिष्टाचार में भी राजनीति तलाशने की कोशिश ओछी मानसिकता की हद है। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग को लेकर पीएम मोदी से मिले जदयू सांसद। एक बार फिर से पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर मांग बढ़ गई है। वहीं अब बीते दिन इस मांग को लेकर पूर्णिया से जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी से मिलकर एयरपोर्ट और रेल संबंधी मामलों को लेकर दो अलग अलग ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सीमांचल की तरक्की के लिए पूर्णिया एयरपोर्ट और कुछ रेल परियोजनाओं का निर्माण होना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2015 में उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि पूर्णिया से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की शुरुआत करवाई जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जिसके बाद सांसद संतोष कुशवाहा ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि पीएम मोदी के द्वारा उनके इस मांग पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया है। फेसबुक पर बना पीके फॉर सीएम का पेज। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा एक फेसबुक पेज बनाया गया है, जिसमें प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में हाईलाइट किया गया है। बता दें कि फेसबुक पर शुरू किए गए इस नए पेज का नाम पीके फॉर सीएम रखा गया है, जिसका टैगलाइन है सपना यह है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा देखे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पेज पर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान का वीडियो और प्रशांत किशोर के बयानों को डाला गया है। मालूम हो कि इस फेसबुक पेज के सामने आने से ही राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या वह भी मुख्यमंत्री की रेस में खड़े हो गए हैं। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक मन से अपने सीएम बनने की इच्छा व्यक्त नहीं की। विराट कोहली ने शेयर की बहुत प्यारी तस्वीर। बीते दिन विराट कोहली के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत ही प्यारी तस्वीर शेयर की गई। दरअसल शेयर की गई तस्वीर में वे अपनी बेटी वामिका और पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस तस्वीर में तीनों एक साथ एक पूल पार करते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा है, संदेह के सभी पूलों को पार करके प्रेम में। बता दें कि विराट कोहली के द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को उनके फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी कि 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। वहीं आज का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत में 1774 में डाक सेवा का पहला कार्यालय खुला। मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को 1959 में तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। बंबई में 1964 में इलेक्ट्रिक ट्राम आखिरी बार चली। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2011 में भारत की आबादी बढ़कर 121 करोड़ हो गई है। 10 साल पहले हुई गणना के मुकाबले यह 17.64% ज्यादा है। 1504 में सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का जन्म हुआ। 1865 में भारत की प्रथम महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जन्म हुआ। 1860 में हिंदी के उत्कृष्ट लेखकों में से एक रमाशंकर व्यास का जन्म हुआ। 1938 में भारत की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का जन्म हुआ। 1945 में प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का जन्म हुआ। 1987 में भारतीय ग्रैंड मास्टर शतरंज कुनेरू हम्पी का जन्म हुआ।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुनो दुनिया नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत 52,000 रुपए की नगद धनराशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। अब एक समय पर चार डिवाइस में चलाए व्हाट्सएप। मेटा की कंपनी व्हाट्सएप ने हाल ही में डेस्कटॉप के लिए एक नई ऐप लॉन्च की है। ऐप को लॉन्च करने के साथ व्हाट्सएप ने यह भी खुलासा किया है कि अब यूजर्स अपने व्हाट्सएप अकाउंट में चार डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने व्हाट्सएप खाते को कई डिवाइस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को अपनी प्राइमरी मोबाइल डिवाइस से जोड़ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले अपने फोन में व्हाट्सएप ओपन करें। अब सेटिंग्स पर क्लिक करें और लिंक्ड डिवाइस पर टैप करें। लिंक कर न्यू डिवाइस पर टैप करें और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। दूसरे डिवाइस व्हाट्सएप से कनेक्ट करने के लिए वेब ब्राउजर पर व्हाट्सएप वेब पेज ओपन करें। अपने दूसरे डिवाइस से वेब पेज पर क्यूआर कोड को स्कैन करें। डिवाइस के सिंक होने तक इंतजार करें। इसके बाद आपकी चैट दूसरे डिवाइस पर दिखाई देने लगेगी। अधिक डिवाइस से लिंक करने के लिए इसी प्रोसेस को बाकी डिवाइस के साथ दोहराएं। बीते दिनों हमारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि रंजन, प्रिंस कुमार, अजीत कुमार, बिट्टू कुमार राज, लाला राय, पंकज कुमार दास, रवि कुमार राम, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, मुटुर रंगीला, जहांगीर आलम, दीपू गुप्ता, सुशील कुमार, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग में बढ़ोतरी के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।